महात्मा गांधी ने जिस भारत का सपना देखा था, महात्मा गांधी ने जिस भारत का सपना देखा था, उसमें सिर्फ राजनीतिक आज़ादी ही नहीं थी, उसमें सिर्फ राजनीतिक आज़ादी ही नहीं थी, बल्कि एक स्वच्छ एवं विकसित देश की कल्पना भी थी, बल्कि एक स्वच्छ और विकसित देश की कल्पना भी थी। महात्मा गांधी को आज़ाद कराया। अब हमारा कर्तव्य है कि गंदगी को दूर करके भारत माता की सेवा करें। अब हमारा कर्तव्य है कि गंदगी को दूर करके भारत माता की सेवा करें। मैं शपथ लेता हूं कि और इसके लिए समय दूंगा। मैं स्वयं स्वच्छता के प्रति सजग रहूंगा और इसके लिए समय दूंगा। हर वर्ष 100 घंटे यानी हर सप्ताह 2 घंटे श्रमदान करके स्वच्छता के इस संकल्प को चरितार्थ करूंगा। हर वर्ष 100 घंटे यानी हर सप्ताह 2 घंटे श्रमदान करके स्वच्छता के इस संकल्प को चरितार्थ करूंगा। मैं ना गंदगी करूंगा ना किसी और को करने दूंगा। मैं ना गंदगी करूंगा ना किसी और को करने दूंगा। सबसे पहले मैं स्वयं से मेरे परिवार से मेरे मोहल्ले से मेरे गांव से मेरे कार्यस्थल से शुरुआत करूंगा। देखते हैं उसका कारण यह है कि वहां के नागरिक गंदगी नहीं करते और ना ही होने देते हैं। उनका कारण यह है कि वहां के नागरिक गंदगी नहीं करते हैं और ना ही होने। इस विचार के साथ मैं गांव गांव और गली गली स्वच्छ भारत मिशन का प्रचार करूंगा। मैं आज जो शपथ ले रहा हूं वो अन्य 100 व्यक्तियों से भी करवाऊंगा। मैं आज जो शपथ ले रहा हूं वो अन्य 100 व्यक्तियों से भी करवाऊंगा। वे भी मेरी तरह स्वच्छता के लिए 100 घंटे दें, इसके लिए प्रयास करूंगा। मुझे मालूम है कि स्वच्छता की तरफ बढ़ाया गया मेरा एक कदम पूरे भारत देश को स्वच्छ बनाने में मदद करेगा। धन्यवाद। हमारी नई सरकार ने 2014 से इस मुहिम की शुरुआत की। वो अपने आप में अब हर देश के नागरिक के जीवन का हिस्सा बन गया है और मैं ये भी महसूस करता हूँ कि दुनिया के बाहर जब कभी मुझको जाने का अवसर मिला तो मैं महसूस किया मैंने कि वहाँ के निवासी स्वच्छता के प्रति जागरूक हैं और कहीं कहीं पर तो मैंने ये देखा कि अगर गंदगी उनके हाथ में है तो वो अपनी जेब तक में रखकर इसको उचित स्थान पर पहुंचाने का काम करते हैं। पर हमारे देश में इसको एक सही रूप से हम लागू करें ये हमारी इच्छा और रुचि का विषय है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने इस ओर ध्यान दिया और इसको एक मुहिम के रूप में चलाने का जो निर्णय लिया उसके अब परिणाम हम सबकी समझ में आ रहे हैं। और ये मैं इसलिए भी कह रहा हूँ कि उन्होंने बात तो जो कि लोगों को लगता है कि छोटी बातें हैं पर महत्वपूर्ण कदम है हम सबके जीवन में। मुझे ध्यान है कि जब 2 अक्टूबर की छुट्टी न होने के लिए आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने कहा तो लोगों ने इसको ज़्यादा अच्छा नहीं पसंद किया, पर अब उनका कहना है कि 2 अक्टूबर की छुट्टी और अगर हम महात्मा गांधी जी को याद करते हैं तो निश्चित रूप से हमारी कुछ जिम्मेदारी है। चल रही है और महात्मा गांधी जी की 150वीं जयंती पर हम लोगों ने संकल्प लिया था कि इस दिशा में हम पूरी स्वच्छता पा लेंगे और स्वच्छ भारत मिशन की कल्पना और स्वच्छता अभियान की बात हम लोगों ने की थी। उसी के तहत हमारा मंत्रालय 1 तारीख से लेकर 15 तारीख तक ये कार्यक्रम अपने विभाग के अंदर सब स्थानों पर मना रहा है। तो आज उसके तहत यहाँ पर हम आपके बीच में हैं और इस हिसाब से काम कर रहे हैं कि ये कार्यक्रम हमारे आम आदमी के जीवन का हिस्सा बन जाए। ये खाली केवल पखवाड़ा या सप्ताह न रहकर हर व्यक्ति इस दिशा में प्रयास करे